सैयद सलमान जी के ऊपर विकलांगों की पुकार की ओर से एक विशेषांक निकाला गया है। हमारे साथ वो पूरी टीम मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान जी भी मौजूद है। सलमान जी, सबसे पहले तो 50 साल के हो गए, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सबसे पहला सवाल, हमेशा आपने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, आज आप इंटरव्यू दे रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, जो इतने वर्षों तक किया और नई पीढ़ी नई पौध मेरे साथ काम किए हुए लोग वो अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं और अच्छा लगता होगा उनको भी, जैसा आपको लग रहा होगा मेरा इंटरव्यू लेते हुए, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा होगा कि मेरे साथ का मेरा सहकर्मी मेरे साथ में है और मेरा इंटरव्यू लेकर वो मुझे सम्मानित कर रहा है, तो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा विशेषांक निकाला गया है आपके ऊपर, आपकी पूरी, आपके लिए कई लोगों ने जो है अपनी अपनी ओर से लेख भेजे हैं, कैसा लगा आपको? मैं अपने बारे में जितना जानता हूँ वो खुशफहमी हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों ने मेरे साथियों ने जितने लोगों ने मेरे बारे में लिखा होगा वो उनके अनुभव होंगे मुझे लेकर और मेरे प्रति उनका प्रेम होगा, तो मैं उन सब के प्रेम के प्रति नतमस्तक हूँ। रही गई बात विकलांग की पुकार की, तो मैं मेरा पूरा परिवार, मेरे जितने सहयोगी रहे हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, वो सब विकलांग के पुकार परिवार के सदैव ऋणी रहेंगे कि एक अदना से व्यक्ति को, मैं बहुत कोई बहुत न बड़ा उद्यमी हूँ, न बहुत बड़ा अपने आप को पत्रकार मानता हूँ, न कोई बहुत बड़ा राजनेता हूँ, लेकिन मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए अगर वो विशेषांक निकालने की कोशिश करते हैं तो ये मेरे प्रति उनका प्रेम भाव है और उस प्रेम की कोई मैं आपूर्ति कभी उसका उस कर्ज को चुका नहीं पाऊंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी का कर्ज चुका दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा विकलांग की पुकार परिवार का कर्जदार बना रहूं, क्योंकि जो कर्ज उन्होंने मुझ पर रखा है ये कई चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है और मेरे लिए ऐसा है कि अब तक जितने भी जन्मदिन मनाए 50वां सबसे विशेष रहा और इसका मैं ऋण नहीं उतार सकता और मैं चाहूंगा कि मैं ऋण उतारूं। आफ्ताब जी के लिए, आफ्ताब मेहंदी जी के लिए और उनके टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आफ्ताब भाई, सरताज भाई, राजेश विक्रांत जी, धर्मेंद्र पांडे जी, अमर त्रिपाठी जी, या जितने लोगों ने आफ्ताब भाई के जहन में आई विकलांग की पुकार निकालना, सरताज भाई के दिमाग में आई कि सलमान भाई का विशेषांक निकालना, राजेश विक्रांत जी का निकाल कर वो अनुभव इकट्ठा कर चुके थे, उस अनुभव के आधार पर जब उससे बेहतर उन्होंने निकाला और निकालने की कोशिश की, एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर जिस तरह से उन्होंने इस पूरी टीम ने लेख कलेक्ट किए, ये अपने आप में मिसाल है और ये मित्रता की मिसाल है कि जैसे हम बचपन में सुनते हैं ना कि दोस्ती ऐसी होती है कि जिसमें किसी तरह का कोई लाभ और लोभ नहीं होता, ये लाभ और लोभ की परे की दोस्ती है, इतनी प्यारी दोस्ती है कि एक एक घरों पर जाकर और 100 से ज़्यादा आर्टिकल इकट्ठा कराना, उनसे मेल करवा लेना, ये इन लोगों के ही बूते का काम था। तो आफ्ताब मेहंदी जी, सरताज मेहंदी जी, राजेश विक्रांत जी और धर्मेंद्र पांडे जी, मतलब पूरी टीम, इस काम में जितने लोग लगे उन सब का मैं आभारी हूँ और मुझे खुशी है कि मैं उस टीम का एक सदस्य पहले भी था और अब तो आजीवन सदस्य हो गया हूँ मैं इस परिवार का। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, सलमान जी का 50वां जन्मदिन है और खास तौर पर आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, एक विशेषांक निकाला गया उनके ऊपर, क्या कहेंगे? तो मेरे लिए यह है कि मेरे छोटे भाई हैं सरताज मेहंदी, जो विकलांग की पुकार के कार्यकारी संपादक हैं, हालांकि वो छोटे भाई हैं लेकिन मैं उनसे मिले हुए लाइन का को आदेश मानता हूँ, हमने उसको पूरा किया। हम लोगों के दिमाग में आया कि सैयद सलमान मुंबई शहर के उन पत्रकारों में से हैं जिनका समर्पित सामाजिक पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। हमारे मन में आया कि हम उनके ऊपर एक विशेषांक निकालें, हालांकि कठिन टास्क था लेकिन हमारे पास, हमें गर्व है कि समर्पित लोगों की टीम थी। और दूसरी बात जो हमें सबसे ज़्यादा गर्व है कि इसके पहले हमने प्रेम शुक्ल जी के भी बारे में निकाला था विशेषांक, लेकिन सलमान भाई के बारे में क्या हुआ कि लेखों की उनके शुभचिंतकों द्वारा एक बाढ़ सी आ गई और हर तरह के लोगों ने सहयोग दिया।
और धर्मेंद्र पांडे ने बहुत दूर दूर की यात्राएं की लेख जुटाने के लिए, लोगों के इंटरव्यूज लिए, लोगों के व्यूज लिए। हमारे साथी नूर हसन ने बहुत सारे लेख थे जो उर्दू में आए हुए थे, उनको हिंदी में कन्वर्ट किया, उनको टाइप किया। इस ढंग के मतलब एक एक चीज ने, जैसे राजेश मिश्र ने योगदान दिया, अमर त्रिपाठी ने पूरी की पूरी मतलब ये शाम जो है इस हॉल की सजाई, राजेश विश्वकर्मा, प्रेम चौबे, अजीत सिंह, रमेश ओरा, लल्लन गुप्ता, जो एक टीम थी, टीम वर्क था, टीम वर्क ने हमको इस योग्य पहुंचाया कि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सके। सैयद सलमान जैसे लोगों की इस समाज को जरूरत है और ये जरूरत पूरी होती रहे, इनका सिलसिला चलता रहे, आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना। हम भी यही आशा करते हैं। इसके अलावा सलमान जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 50 तो पूरे कर लिए, आगे की क्या प्लानिंग है? 50 जिस तरह से लोगों के प्रेम से पूरे हुए हैं, वो प्रेम और सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो अपनी इस गतिविधि को लगातार जारी रखना चाहूँगा। मैं पत्रकारी पारी खेलते रहना चाहूँगा, अपने अध्यापन के क्षेत्र में उतरा हूँ मैं, उसमें भी मैं चाहूँगा कि इसको भी कंटिन्यू रखूँ और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर जिस तरह से हिस्सा लेता रहा हूँ वो लेता रहूँ, और जो गंगा जमनी तहजीब है इस हिंदुस्तान की, उसको बनाए रखने के लिए जो भी बन पड़ेगा अपने संपर्कों के आधार पर, वो बनाए रखने की मेरी कोशिश होगी। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने 50 साल की पारी बेदाग खेल ली। इंशाल्लाह आगे की पारी मेरी इसी तरह से रहेगी और समाज के लिए बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सैयद सलमान। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जब चैनल मैं इस तरह के इंटरव्यूज किया करता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उन नेताओं से इंटरव्यू करना। आज इंटरव्यू देकर और अपने भाई को देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मैं इस पूरी टीम को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी टीम को, इस एक प्रतीक के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सभी फले फूले और मेरे साथी भी आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सलमान जी। तो ये थे सैयद सलमान जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि उनका 50वां जो वर्षगांठ था वो किस तरह से मनाया और आगे की क्या कुछ तैयारी होगी और किस तरह से वो आगे की काम जो है, अपने कार्य को जो है पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन फयाज के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।